मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग सुबह सुबह आज निकल चुके हैं गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए। एक्चुअली सैटरडे हम लोग का प्लान था, वन मंथ पहले हम लोग का प्लान हो चुका था गोवा जाने के लिए। तो हम फाइव फ्रेंड्स उसके फैमिली एक साथ प्लान किए हैं, तो ट्रेन का टिकट वगैरह भी उस हिसाब से ही रखे थे। मगर अभी महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली गोवा में बहुत बारिश हो रही है, और रास्ते में लैंडस्लाइड के वजह से ट्रेन भी कैंसिल हो रहा है। तो हम लोगों का जो ट्रेन है सैटरडे का, वो ही अभी दो दिन से उसका ही स्टेटस चेक कर रहे थे, तो वहाँ पे दिखा रहा था कि गोवा तक नहीं जा रहा है। मतलब गोवा में हम लोग का वास्को दा गामा जो स्टेशन है वहाँ पे हम लोग की हम वहाँ पे उतर के फिर होटल तक जाने वाले थे बाई रोड, मगर वहाँ तक अभी ट्रेन नहीं जा रहा है। बीच में बेलका पुल की एक जगह है, वहाँ तक ही जा रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम सब मिलके आज सुबह एक मीटिंग किए कि फिर क्या करेंगे, कैंसिल करना है। तो सबका मन है भाई गोवा जाने का, एक बार प्लान बन गया तो कैंसिल तो नहीं हो सकता, कैसे भी हमें पहुंचना है। तो फिर लास्टली सब डिसाइड किए कि चलो फिर बाई रोड चलते हैं अपने अपने कार से। तो पहले ये हुआ था कि ट्रेन से एक साथ बैठ के थोड़ा मस्ती करते हुए जाएंगे, मगर अभी ऑप्शन नहीं है तो गोवा जाके ही मस्ती करेंगे। अभी ऐसा तो प्लान हुआ है, अभी देखते हैं अल्टीमेटली हम सैटरडे निकल पाते हैं कि नहीं। यहाँ के वेदर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या रोड का कंडीशन और भी ख़राब हो गया, हम अगर निकल पाएंगे तो आप लोगों से उस दिन भी बात हो जाएगी। तो इसीलिए सुबह हम एक्चुअली हम लोग के फ्रंट वाला तो टायर थोड़ा पुराना हो गया है, इतना लॉन्ग ड्राइव है, 10 to 12 hours लग, मतलब 10 hours ड्राइव में लग जाएगा और लेके 12 hours तो लग ही जाएगा। इसीलिए हम दोनों सुबह सुबह निकल चुके हैं कि टायर चेंज कर लेते हैं। अभी जा रहे हैं टायर चेंज करने, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी बाहर कर लेंगे। इस सुबह फ्रेंड्स लोग आए थे तो सिर्फ चाय पी है और फटाफट निकल गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट का ऑफिस है, आके उसको ऑफिस में भी बैठना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। रोड बहुत जैम है, हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंच पाए। एक्चुअली वागुली में बहुत ज़्यादा जैम होता है, कभी अगर देवजीत नहीं निकल पाता है, मैं अगर ओला करके कहीं जाती भी हूँ तो आते रिटर्न के टाइम में ओला वाले को मतलब टेंशन हो जाता है कि वागुली जाना है, वागुली में मैडम बहुत जैम होता है। एक्चुअली ये जो रोड है ना वो हाईवे कनेक्टेड है, तो ये रोड पे बहुत जैम होता है। हाईवे में गाड़ी ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और यहाँ पे लोकल लोगों के पास गाड़ी ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस हिसाब से थोड़ा कम है। जैसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता में हम लोग देखते हैं ना कि 80% लोग गाड़ी होते हुए भी कोशिश करते हैं कि वो ईजी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करना, ऑटो हो, बस हो जाए, एसी बस हो जाए, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है, मगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शंस थोड़ा कम है। इसलिए नॉर्मली हम लोगों को वही करना पड़ता है कि अपने अपने गाड़ी से निकलना होता है, तो इसलिए जैम बहुत होता है। स्पेशली तो वागोली जैम के लिए स्पेशल है, मतलब लोग वागोली सुनते ही वागोली इक्वल्स टू जैम लोगों के दिमाग में वही सेट हो जाता है। तो हम थोड़ा 10 किलोमीटर ही होगा जो गाड़ी के शोरूम तक हम जा रहे हैं, उसके लिए हमें कितना वेट करके जाना पड़ रहा है, पूरा रास्ता एकदम जाम, और बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा स्लो हो जाता है गाड़ी। तो हम आते आते पता चलिए फाइनली पहुंच गए हैं, अभी वही टायर चेंज करेंगे, और मेरा आगे का वाइपर का जो वाटर टैंक है उसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो वो वाइपर का टैंक भी ज़रूरी ज़्यादा होगा। तो वो दोनों ठीक करके टायर चेंज करके फिर निकलना। एक्चुअली और एक भी प्लान हुआ है कि गोवा जाने से रास्ते में ना कोल्हापुर पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा कोल्हापुर में रुकेंगे, रात नाइट स्टे करेंगे, क्योंकि हम लोगों का होटल जो है वो बुकिंग संडे से है। तो अभी क्योंकि सैटरडे हम लोग की इवनिंग की ट्रेन, तो संडे मॉर्निंग तक पहुंचेंगे, तो फिर उस हिसाब से बुकिंग भी जो था संडे दोपहर से था। तो अभी हम लोग अपने अपने गाड़ी से ही निकल रहे, तो सैटरडे दोपहर ही निकलने का प्लान किए हैं। थोड़ा मॉर्निंग भी निकल सकते थे, मगर उस दिन मेरी बेटी का PTM है, तो 11 बजे से पहले नहीं होगा, उसका PTM कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग निकल सकते हैं। तो वही प्लान किए हैं कि ये डायरेक्ट निकल जाएंगे, उसका PTM होने के बाद हम वहीं से निकल के पहले कोल्हापुर, यहाँ से 6 hours की जर्नी है, नाइट स्टे करेंगे। कोल्हापुर में लक्ष्मी माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है, तो हम लोग थोड़ा दर्शन करने का भी सोच रहे हैं। रात 10 बजे तक खुला रहता है, तो हम पहुँचने के बाद इवनिंग में दर्शन कर लेंगे,
नाइट स्टे वहीं पे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठ के निकल जाएंगे। तो हम वहाँ से फिर वही 5 to 6 hours ही लगेगा, तो हम सुबह मॉर्निंग निकल जाएंगे, तो वो टाइम जो हम लोग की बुकिंग है स्लॉट उस हिसाब से उस टाइम में पहुँच जाएंगे। और एक्चुअली रोड व्यू बहुत अच्छा होगा इस टाइम में, जो यहाँ से शुरू होता है ना, थोड़े सिटी छोड़ने के बाद से पूरा रोड व्यू बहुत अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगी कि रास्ते में जाते जाते आप लोगों का वो रोड व्यू दिखा दूँ, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत से वाटरफॉल दिखने को मिलता है, छोटा बड़ा। और रास्ते में दूधसागर जो चेन्नई एक्सप्रेस में दिखाया गया था वो ट्रेन से बहुत अच्छा दिखता है, इस टाइम बंद रहता है, किसी को जाने का ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं कितना दिखा पाते हैं। अभी कार को सर्विस सेंटर में छोड़ के हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं आगे तक, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, वो लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो बोला कि मैडम थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, फिर टैंक चेंज करके देते हैं। तो हमने सोचा हम क्यों रुके, तो हम तब तक हमारा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, इसलिए आगे जो सामने दिख रहे हैं सोसाइटीज़ वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह मिलेगा ब्रेकफास्ट का, तो हम थोड़ा वॉक करके जा रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है। पहुँच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक शॉप मिल गया रुद्रा, तो अभी हम लोग उसमें ब्रेड ऑमलेट ही ऑर्डर किए हैं। हम लोग का ब्रेड ऑमलेट आ चुका है, स्ट्रीट फूड पे बैठे हैं आज हम लोग खाने के लिए, वहाँ का मज़ा लेने के लिए। भूख तो लग गई है बहुत, मेरा अभी तक आया नहीं, मगर देवजीत ने अपना शुरू कर दिया। वाटर टैंक ठीक हो चुका है हम लोगों का, अभी दूसरे शॉप में आ गए हैं टायर चेंज करने के लिए। हम लोगों को लगा था कि टैंक ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, मगर उन्होंने देख के बोला कि नहीं, एक छोटा सा पाइप लीकेज हो गया था, तो उसको ही ठीक करके दे दिया, तो इसीलिए जल्दी हो गया। अभी यहाँ पे टायर चेंज करके चल रहा है टायर चेंजिंग का काम। एक्चुअली टायर हम लोग चेंज करने जो दो आए थे, तो पिछले बार फ्रंट का टायर चेंज किए थे, तो इस बार मुझे लगा था कि इस बार हम लोग बैक का चेंज करेंगे, तो जो भैया चेंज कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया कि नहीं, आगे का पीछे डाल देते हैं और नया जो है वो आगे डाल देते हैं। तो मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी वही हुआ कि हर बार ऐसा क्यों होता है, उतना आइडिया नहीं है ना गाड़ी के बारे में कि हम नया टायर ही आगे डालते हैं और आगे जो आगे रहता है उसको हम पीछे कर देते हैं। वही भैया ने बोला है कि गाड़ी का बैलेंसिंग फ्रंट में ही रहता है, तो टाइमिंग वगैरह हम जो लेते हैं तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही ज़रूरत होता है, इंजन वगैरह का लोड सब फ्रंट में ही होता है, तो इसीलिए सामने का जो टायर है वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो ख़राब होने का चांसेस जल्दी रहता है, तो इसीलिए हर बार न्यू जो टायर रहता है वो हमें आगे डालना चाहिए और जो यूज़ वाला हो गया है उसको पीछे कर दीजिए, और हर 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें चेंज करते रहना चाहिए कि पीछे का आगे कर दिया, आगे का पीछे कर दिया, तो वो टायर ना बैलेंस रहेगा, नहीं तो वो आगे वाला जो टायर है वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। Thank you.
लोग अभी वापस जा रहे हैं, हो गया गाड़ी का टायर चेंज, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, पता नहीं हम लोग गोवा पहुंच पाएंगे कि नहीं ऐसे बारिश के मौसम में। सबका पैकिंग हो गया, मन सबका बन गया है कि जाना ही है, सैटरडे निकलेंगे तो पता चलेगा कैसे हम गोवा तक पहुँचे। पुणे में इतना बारिश हो रहा है, वहाँ पे तो बोल रहे हैं ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। थोड़ा सा डर सबके मन में भी है कि हम वहाँ जाके अगर अटक जाए, तो इसलिए और हम लोगों ने ट्रेन का छोड़ दिया कि चलो कार से ही जाते हैं, खुद का व्हीकल रहेगा तो कैसे भी हम वापस आ पाएंगे। ट्रेन कैंसिल हो गया, फिर वहाँ पर वापस से कुछ ना कुछ चैलेंज कर वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, पहुँच गए हैं, अभी पैकिंग तो करना ही है, देखते हैं लास्ट तक हम सैटरडे निकल पाते हैं कि नहीं गोवा के लिए।